गैस वेन्यू का बेस मॉडल अगर आपके पास है और उसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो भाई ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। पहले आप देख लो गाड़ी का हाल हमने क्या कर रखा है भाई, ये मतलब बुरा हाल नहीं कर रखा इस गाड़ी को ना भाई, फुल बेस टू टॉप कर रहे हैं हम और सारी चीजें जो भी वेन्यू में हो सकती है इस गाड़ी में होने वाली है। देख लो डैम्पिंग हमने इसमें कर दी है, अंदर सिस्टम लगा रहे हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल्स लगाया गया है, JBL के स्पीकर्स भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, फ्लोरिंग होने वाली है नीचे, वेलकम प्लेट भी आप देख सकते हैं इसमें हमने इंस्टॉल करी है। और भाई गाड़ी में ना पूरा इंटीरियर का वर्क हो रहा है जिसमें सीट कवर, पिलर्स और रूफ देख सकते हो आप ऊपर की सारी चीजें होने वाली है। और भाई फ्रंट से भी देख लो पूरे हेडलाइट्स निकाल दिए गए क्योंकि इसमें हम DRL इंस्टॉल कर रहे हैं। भाई वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सारी चीजें करने वाले हैं। और भाई जो वेन्यू की पहचान है, जो इसकी टेल लाइट है, वो भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है। तो वीडियो में बने रहना, हम इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे, इसकी फिटिंग के बारे बताएंगे और भाई कितने की पड़ती है ये सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाई अपने ना वेन्यू का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने वेन्यू को बेस टू टॉप कराना है तो वीडियो पूरी एंड तक देखते रहना क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप सामने से शुरू करें तो भाई DRL आप देख सकते हैं इसमें लगा दी गई है। तो राजीव भैया आज फिर से हमने एक वेन्यू को बेस टू टॉप किया और भाई ये देख सकते हो DRL लगा दी गई। पहले तो ये बताओ यार ये टॉप मॉडल वाली DRL या लाइट ही चेंज कर दी है? एक्चुअली में क्या है, मैं DRL लगाई है आफ्टर मार्केट वाली। ठीक है भैया, DRL जो आप कंपनी लग के आती है वो जितनी होती है भाई, मतलब मेरे को तो इतना सर फर्क नहीं दिख रहा, मतलब सेम टू सेम जैसे टॉप मॉडल वाली रहने वाली ना वैसी है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और मिलने वाली है जो टॉप मॉडल में नहीं मिलती, इसमें इंडिकेटर भी चलता है, तो एक बार वो भी करके दिखा देते भी। तो भाई ये फंक्शन आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है जो आपको कंपनी से टॉप मॉडल में DRL आते उसमें नहीं मिलने वाला, बट ये हमारे फिटिंग आप देखोगे ना भाई, मतलब पीछे से लुक देख लो पहले, अलग ही लेवल की लुक आने वाली है। और साथ ही साथ LED भी डाली गई है, एक बार उसकी थ्रो भी आपको दिखा देते, अभी रात हो रही है तो अच्छी थ्रो भी आपको दिख जाएगी। साथ में मैंने आपको फ्रॉन्स और वेन्यू के अंदर ये DRL भी बना के दिखाया, बिल्कुल भी अंदर कोई तार काटा पिटी नहीं होता, होल्डर टू होल्डर जैसे आप हेडलाइट के बल्ब चेंज करते हैं जी, इसका DRL भी आया हुआ, DRL वाली बल्ब, DRL वाली बल्ब, इंडिकेटर दोगे तो इंडिकेटर जलेगा, जब आप येलो इंडिकेटर दोगे तो येलो जलेगा और जब आप चाबी ऑन करोगे तो जैसे व्हाइट जल रहा है वैसे व्हाइट जलेगा। यहाँ भी ये पूरी लगेगा ही टॉप मॉडल, तो वो भी आपने फ्रॉन्स में लग जाता है, हर गाड़ी का है, हर गाड़ी का है, उसका रेंज फ्रॉन्स बिटारा जो बेस मॉडल गाड़ी आता है उसके अंदर यहाँ लाइट नहीं होता, सिर्फ इंडिकेटर होता है। ठीक है, आप हर गाड़ी का बल्ब चेंज करा के इसके अंदर पूरे में व्हाइट लाइट कर सकते, पूरे DRL वाला लुक देने वाला, DRL वाली लुक होगा, जैसे आप जब ये व्हाइट जल रहा है ना अभी यहाँ बंद हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको पूरी पूरी मतलब कंटिन्यूअसली लाइट रहने वाली है। तो भाई ऑन करोगे लाइट जल जाए, तो भाई मतलब वो है DRL बल्ब और बहुत ही बढ़िया रेटों में आपको यहाँ पे मिलने वाली है, गारंटी भी मिलने वाला है, हैंड टू हैंड चेंजिंग यहीं से एक साल। तो गाइस ये देख लो और साथ ही साथ अब हम दिखा देते हैं सामने LED की लुक, जो LED है अभी लो बीम पे है, अभी सामने इसको हाई बीम करके दिखाएंगे तो थ्रो देख लो, गाड़ी डाउन है इसलिए आपको लंबी लाइट नहीं दिख रहा होगा। और ये देख सकते हो जैसे आप सीधी करके आप सड़क पे लगाओगे तो भाई मतलब 200 मीटर लंबी लाइट काफी दूर तक जाने वाली, तो भाई मतलब लाइट की ट्रिपल हो जाएगी आपकी, तो ट्रिपल ही हो जाएगी, मतलब जैसे अभी भैया बता रहे हैं थोड़ी सी हाइट पे लगी हुई है जैसे आप देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेवल जो है इसका नीचे की तरफ थ्रो कर रहा है, बाकी लाइट की थ्रो बहुत प्यारी होने वाली। तो अब चलते हैं साइड में, तो साइड में ये वेन्यू की बिडिंग लगाई गई है इसमें गाड़ी का, हम पहले बाहर से आपको दिखा देते हैं, और ये साइड बिडिंग आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश की, उसके बाद डोर वाइजर्स इसमें लगाए गए हैं और रूफ रेल भी लगाई गई है। और भाई पीछे देख लो जो इस गाड़ी की शान है इसकी टेल लाइट वो भी इसमें इंस्टॉल करी गई है और फिटिंग भी जेन्युइन वाली रहने वाली क्योंकि खुद जेन्युइन पार्ट है ये, इसका सिर्फ सेंटर का पीस चेंज हुआ है। ठीक है भैया, पर अपने पास ये भी है, अगर आप ये चेंज कराते हैं कॉर्नर लाइट तो आपको यहाँ भी लाइट जलेगा, तो मतलब ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ तक, तो वो भी अपने पास मिलने वाला है, तो तीन पीस का रहने वाला भैया, तीन पीस का सेट लगता है। ठीक है, तो आप जिस मर्जी टाइम आ जाओ, कोई एडवांस पैसे की आपको नीड नहीं है डालने की, कोई आपको टाइम लेने की जरूरत नहीं है,
आपको एनी टाइम हमारे पास स्टॉक मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, 10 गाड़ी लेके आ जाओ, 10 गाड़ी। और मैं बोलूँ तो भैया कंपनी से रेटों में बहुत फर्क मिलने वाला है यहाँ पे इस चीज का, कंपनी से रेटों में भी फर्क मिलेगा, पहला नंबर कंपनी चेंज ही नहीं करेगा। ठीक है भैया, मतलब कंपनी में मैंने सुना है स्टॉक भी अवेलेबल बहुत कम होता है इन चीजों का, चेंज भी नहीं करते। तो भाई मतलब देख लो गाड़ी की लुक इतनी बढ़िया लगने वाली है ना पीछे से, इस गाड़ी में इसी लाइट से लुक आती है, तो ये भी आप लगवा सकते हैं, हमारे पास रेडी स्टॉक अवेलेबल रहने वाला है। और साथ ही साथ भाई डोर पैनल देख लो, डोर पैनल एक बार रखा हुआ है, मैंने आपके लिए खुलवा रखा है क्योंकि इसमें करी गई है डैम्पिंग, जिसके लिए हमने डोर पैनल खुलवा रखा था, 3M की डैम्पिंग करी गई है। और डैम्पिंग में भी ना भाई अपने पास बहुत सारी क्वालिटी रहने वाली है, और डैम्पिंग का ना फायदा मैं आपको दिखा देता हूँ कितना अच्छा रहने वाला है, देखो गाड़ी में कितना फर्क आने वाला है इस चीज से। साथ ही साथ बाहर की नॉइस कुछ भी नहीं आती, और गाड़ी के अंदर की जो म्यूजिक की आवाज है वो भी काफी एनहांस हो जाती है। और ऊपर से देख लो शार्क फिन एंटेना भी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। और साइड से अब आपको मैं लेके चलता हूँ गाइस, तो साइड में आपको दिखाऊं तो डोर पैनल्स बनाए गए हैं जो कि टैन कलर के रहने वाले हैं, साथ ही साथ एम्बिएंट लाइट का इसमें काम किया गया है भाई, मतलब बहुत ही प्यारी लुक आ रही है गाड़ी में, काफी अच्छा सिलेक्शन रहा है सीट कवर्स का इस गाड़ी के लिए। और साथ ही साथ भाई अंदर से मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर पिलर्स का भी काम किया गया है इस गाड़ी में, पिलर्स भी देख सकते हैं पूरी प्रॉपरली अच्छे से फिट है। ये पास का पिलर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, और ऊपर देखेंगे तो भाई ऊपर रूफ में पूरा वेलवेट टच दिया गया है, तो फिटिंग वाइज वहां पे भी आपको एक एक चीज प्रॉपरली फिट की गई है। तो भाई मतलब ना ये गाड़ी अंदर से पूरी लग्जरी लुक कर रही है, एम्बिएंट लाइट का काम यहाँ पे हुआ है, और एंड्रॉयड स्क्रीन भी पूरी इंस्टॉल करी गई है, ये आप देख सकते हैं भाई, मतलब प्रॉपरली एंड्रॉयड, कंपनी से इसमें एंड्रॉयड नहीं आती है बेस मॉडल में, और ऊपर वाले मॉडल में स्क्रीन आती है बट उसमें एंड्रॉयड नहीं होता, तो अपने पास एंड्रॉयड बहुत ही कम रेटों से चालू होने वाले हैं। और ये देख लो फ्रंट डैशबोर्ड का लुक गाइस, ये भी पूरा इसमें भी लेदर वर्क का काम किया गया है, और उधर का भी डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, तो वहां पे भी आपको पूरा लेदर वर्क मिलने वाला है। स्टीयरिंग कवर आप देख सकते हैं पूरा टू टोन में स्टिच किया, जैसा कि अंदर का इंटीरियर रहने वाला है। और भाई स्टीयरिंग का पूरा फिटिंग देख लो ऐसी रहने वाली है कि चलाते हुए आपका मूव नहीं करेगा। और स्टीयरिंग में बात करूं तो कंट्रोल्स भी लगाए गए हैं इसमें, और भाई साइड में आप देख लो JBL का इसमें कॉम्पोनेंट भी इंस्टॉल किया हमने, तो ये दरवाजा इसीलिए हमने खुलवा के रखा था आपके लिए। अब पीछे से आपको एक बार लुक दिखा देते हैं कैसी आने वाली है, ये देख सकते हैं पावर विंडोज जो हमने इसमें स्विच इंस्टॉल किए हैं ये भी इसमें लगाए गए हैं, तो पीछे आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पे आता है तो इसमें भी एक कवर लग जाएगा, तो ये भी बंद हो जाएगा। और पीछे एम्बिएंट की फिटिंग देख लो पूरी भाई, मतलब प्रॉपर फिटिंग रहने वाली है, आपको दूर से दिखाऊं तो लुक गाड़ी की कुछ ऐसे आएगी। और गाइस अगर आपके पास वेन्यू है और आप बेस टू टॉप उसको करवाना चाहते हैं, तो भाई आपने सीधा आना है क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में। भाई यहाँ पे जो वेन्यू की मॉडिफिकेशन होती है ना भाई, आपको ना हार्डली कहीं पे वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने पास वेन्यू की ना बहुत सारी मॉडिफिकेशन, क्योंकि हम काफी इतनी हमने वेन्यू कर दी है जिससे हमें खुद आइडिया हो गया कि भाई कितनी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। और वेन्यू की जो मॉडिफिकेशन है ना काफी बजट में रहने वाली है, तो विजय भैया अगर हम वेन्यू को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो मिनिमम बजट हमारा कितना रहने वाला है, जिससे हम बोलें कि भाई वेन्यू की मॉडिफिकेशन बेस टू टॉप हो सकती है? ₹1,00,000। तो ₹1,00,000 में भाई मतलब उसमें जो मोटी मोटी चीजें जैसे टेल लाइट और हेडलाइट सारी चीजें रहने वाली है भैया, सारी चीजें रहने वाली है। तो भाई मतलब एक अप्रोक्स आपको बता दूं भाई अपना, लेकिन इससे नीचे बजट में भी आपका काम हो जाएगा, जैसे आप चाहते हैं तो टेल लाइट नहीं लगवाना चाहते वो मत लगवाना, बट अंदर इंटीरियर का आप काम ऐसा करवा सकते हैं, रूफ रेल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे गाड़ी बाहर से भी टॉप लुक करेगी। तो भाई ये सारी चीजें इस गाड़ी में हुई थी, आप इससे ज्यादा भी करवा सकते हैं, आप इससे कम भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको विजिट उसके लिए करना होगा क्रिस्टल कार केयर करोल बाग में। तो गाइज अब हम ले लेते हैं कस्टमर से रिव्यू कि उनको ये काम कैसा लगा, तो एक बार हम उनसे बात करते हैं। तो ये वेन्यू कार के ओनर है सर, कहाँ से आए, कैसे आए हैं और कैसे शॉप के बारे में पता चला, सारी चीजें पूछते हैं। तो वेलकम टू क्रिस्टल कार केयर सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज राहुल चौधरी। कहाँ से हैं अभी आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। ठीक है, आपको हमारी शॉप के बारे में कैसे पता चला था भैया? एक्चुअली मैंने एक ऑलरेडी एक स्कॉर्पियो भी कराई थी। ठीक है भैया, ठीक है, राजीव भैया के थ्रू। ठीक है, इनसे मेरी बात भी हुई थी। ठीक है, तो फिर मैंने इनसे फोन पे कॉन्टेक्ट किया, तो मैं फिर आज मेरे को समय मिला तो आज मैं आया। ठीक है, गाड़ी में देख सकता हूँ वेन्यू का बेस मॉडल लाए थे, पूरी टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर दी गई है। प्राइस वाइज, फिटिंग वाइज सारी चीजें बताइए भैया डिटेल में, कैसी लग रही है? प्राइस वाइज ठीक है, ठीक है, और नेचर वाइज भी ठीक है ये लोग। ठीक है, तो हमारे मतलब पूरे जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब आपने अच्छे से सबने ट्रीट करा आपको, और सामान अपने पास सारा होने वाला है। तो राजीव भैया और विजय भैया आप लोग बताइए, अपने पास वेन्यू की लेके बेस टू टॉप करने के लिए हर चीज अवेलेबल रहने वाली है, A to Z रहने वाली है भाई, मतलब आप पीछे भी देख लो, कोई भी हो हुंडई का सारे आपको अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद आपको स्पीकर ब्रांड कोई भी हो, एंड्रॉइड की ब्रांड कोई भी भाई, मतलब देख लो तुम, स्टॉक देख लो एक बार गाइस, ये सारा स्टॉक रहने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि एक चीज है दूसरी चीज आपका डिमांड के अगेंस्ट का था भैया, नहीं ये नहीं होगा। इसी तरीके से आप छोटे से बड़े आइटम तक जितने भी LED आते हैं, एंड्रॉइड आते हैं, स्पीकर आते हैं, कैमरा आता है, सीट कवर आते हैं, मैट आते हैं, आपको हर चीज मिलता है, काफी सारी रेंज आपको मिलता है आपकी गाड़ी।
वेन्यू हो या महिंद्रा का कोई भी गाड़ी हो या मारुति की कोई भी गाड़ी हो। भाई मतलब ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ। ये देखो आप पहले सीट कवर का स्टॉक देख लो यहाँ पे और वहाँ पे देख लो, भर भर के सीट कवर्स आपको मिलने वाला है। चाहे कोई सी भी गाड़ी ले आना, जिसके नहीं भी मिलेंगे उसके हम कस्टमाइज बना भी देंगे। हमारी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, मनपसंद आपको सीट कवर आपके चॉइस के अगेंस्ट कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन सब चीज मिलने वाली है। 4 घंटे में गाड़ी कोई भी है सीट को रेडी होके मिल जाएगा। मिल जाएगा। और भाई मतलब जैसे भैया बता रहे हैं ना, अपने पास चीजें वैरायटी बहुत मिलने वाली है, उन्हीं वैरायटी में से भैया ने आज पसंद करके अपनी गाड़ी में चीजें लगाई हैं। भैया मैं पूछूं तो सारी चीजों की फिटिंग ओके है? सर आउटपुट वगैरह मैं पूछूं कैसा आ रहा है गाड़ी में? और सीट कवर्स में आप बैठ के देखें, आपने इंटीरियर का बहुत अच्छा काम कराया, मैं देख सकता हूं। कल डोर पैनल में लेदर लगवाया, पिलर में लेदर लगवाए, रूफ में ब्लैक कराया, अब आपकी गाड़ी हो चुकी है पूरी तैयार। अब आपको गाड़ी में बैठने के बाद कैसा फील आ रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। एक्चुअली ये सब मैंने खुद मेरी इच्छा थी कि मैं 10 कलर 10 और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कराऊंगा। जी भैया, तो मैंने 10 और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करा तो मेरे को बड़ा अच्छा। मतलब बहुत अच्छा लुक भी कर रही है भैया, और आपकी ब्लैक गाड़ी के साथ वो काफी अच्छी मैच भी कर रही है। सीट कवर की क्वालिटी में पूछूं भैया, आपने कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल ठीक है। आप तो खुद तो भैया दूसरी बार आज हमारे शॉप तक आ चुकी हैं दूसरी गाड़ी लेके। पहले आपने स्कॉर्पियो में काम कराया, आज आपने वेन्यू में काम कराया, ठीक है। अगर यही चीज आपकी सर्कल में, आपके रिलेशन यार दोस्त में कोई अगर पूछता है तो क्या रिकमेंड करोगे? जरूर प्रीफर करूंगा कि मैं क्रिस्टल कार केयर जाऊँ, और जरूर मैं, क्योंकि आप लोग नेचर वाइज भी बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे से ट्रीट करते हो कस्टमर को। कस्टमर के साथ धोखा करने वाले तो काम नहीं करते। तो कोई चीज महंगा या कोई बताया कुछ और लगा कुछ और दिया या जो हमारा टेक्नीशियन होता है, फिटर होता है, वो कस्टमर के साथ धोखाधड़ी या उनका बिहेव अच्छा ना हो बोलने का या काम करने का, ऐसे होगा जी? ये तो ऐसे ही होता है, मैं तो यही करूंगा भैया। सब लोगों ने बड़े अच्छे से, मैं पूछूं तो मतलब तसल्ली वाला काम हुआ है भैया का? तसल्ली वाला काम इसलिए भी कह सकता हूं गाइस, मतलब शाम को गाड़ी आई थी और अभी रात के 12 बज रहे हैं, तब भी भैया बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करो, उनको खुद पता है कि भाई ऐसे मॉडिफिकेशन में ना टाइम लगता है। क्यों राजीव भैया, क्या कहना चाहते हैं भैया के बारे में? भैया मेरे को फोन करके आए थे, भैया मेरे एक हफ्ते बात चल रही थी जी। भैया ने कहा मैं गाड़ी लेके आऊंगा, आज लेके आऊंगा, कल लेके आऊंगा, परसों लेके आऊंगा, रोज फोन कर रहे थे, लेकिन आज टाइम मिला है। और भाई आज ये लेके आए हैं गाड़ी, और बेस लेके आए थे और ना टॉप मॉडल करा के लेके जा रहे हैं। तो इन भाई की तरह आप भी अपनी वेन्यू ला सकते हैं यहाँ पे। मतलब वेन्यू में ना पूरी करोल बाग आप छान के आ जाना, वेन्यू में ना अपने से ज्यादा मॉडिफिकेशन कोई ना करता होगा, ना किसी ने करी होगी आज तक, ना कोई कर सकता है। और इतनी वीडियोस हमारी वीडियो डली हुई है ना भाई, मतलब करोल बाग में अगर वेन्यू के लिए कोई फेमस होने वाले हैं तो टचोड़ो हम ही होने वाले हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि हम इसका आउटपुट बहुत अच्छा निकाल के देंगे आपको और बेस्ट रेटों में। तो गाइस करते हैं आज की वीडियो यही खत्म, हम मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच भैया अपना टाइम देने के लिए, आप लोगों को भैया थैंक यू सो मच। तो करते हैं आज की वीडियो, भैया भी लेट हो रहा है उनको फ्री करते हैं। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मॉडिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।